हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ये यहाँ पे अलमारी थोड़ी जमा रही हूँ, सभी अभी ठंड के भी कपड़े अब सब बैग में भर करके रख दे रही हूँ। स्कार्फ वगैरह जो उलन के रहते हैं वो सब भी, एक गोली आती है ना जिसके डाल करके सब बैग में भर के अच्छे से रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी ठंडी थोड़ी कम हो गई है, पर अभी फिर से वापस, अभी एक दो दिन से ठंड लग रही है, पर अब मैनेज कर लेंगे। जो बाहर है उसी में ये अंदर रख दी हूँ, जो ठंड के कपड़े। अब मैं आ गई हूँ ये यहाँ पे बर्तन वॉश करने के लिए। अभी ये जूस वगैरह का और ये सब है वो पूरे बर्तन में वॉश कर लूँगी। मेरी बर्तन वाली हाउस हेल्प तो आ ही नहीं रही है, तो अभी तो मैं रास्ता भी देखना छोड़ती हूँ, कर लेती हूँ खुद ही। रास्ता देखो, ढेर करो बर्तन का, फिर मान जो उससे अच्छा है कि जितने थोड़े निकल गए कर लो तभी का तभी, तो अपना वर्कलोड कम हो जाता है, दूसरे काम भी अपन कर सकते हैं। अब ये सीधा रात का क्लिप है, अभी रात के बजे हैं 8:30। मैं थोड़ा बाहर भी गई थी, बाहर से आई, चाय वगैरह पी, खाना वगैरह बनाई, खाना वगैरह खाए, उसके बाद मैं ये, सिर्फ 3 ही नींबू है पर थोड़े बड़े बड़े हैं, तो मैं बोली थोड़ा सा अचार डाल देती। तो इसके लिए सबसे पहले नींबू को ऐसे बारीक बारीक काट लेना है, आपको जिस साइज में चाहिए उस साइज में। उसके बाद उसके बीज को भी निकाल लेना है, और फिर इसको जो कुकर में मैं पका रही हूँ ना, तो मेरे से एक गलती हुई। आप कुकर रखिए पहले गैस पे, थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए, और जब सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद ये नींबू को डालना है, थोड़ा सा नमक डाल के चला के एक आध एक दो सीटी ले लेना है। और फिर जब उसके प्रेशर को निकाल देना है, जब सीटी 2 हो जाएगी उसके बाद वो प्रेशर को चम्मच से सीटी ऊपर करके प्रेशर निकाल देना है। और वो अभी नींबू गैस पे चढ़ा है, तब तक मैं सोची कि ये बर्तन जमा लेती हूँ करके, तब तक के मैं ये सब बर्तन जमा ले रही हूँ। ये देखिए, ये पकने के बाद ऐसा हो गया नींबू। अब इसमें शक्कर, मतलब जैसे अपने अंदाज से, मैं तो अंदाज से डाली हूँ, नहीं तो 1 किलो में आधा किलो शक्कर ऐसा डलता है। फिर इसमें शक्कर,
कश्मीरी लाल मिर्च रंग के लिए, काली मिर्च भी डाल सकते हैं थोड़ी, अगर तीखा खाना है तो हींग थोड़ी सी डलेगी, थोड़ी सी ओवा अजवाइन जो रहता है वो, और फिर ये चाशनी टाइप शक्कर को पका लेना है थोड़ा गैस पे, और उसके बाद जब एकदम ठंडा हो जाएगा अचार पूरा, उसके बाद एक अच्छे से कांच के बरनी में या प्लास्टिक के जिसमें भी आपको रखना है वो रख सकते हैं। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ कि जब अचार पूरी तरीके से ठंडा हो जाए उसके बाद ही बरनी में भरना है। तो ये, और हाँ काला नमक भी डाली हूँ मैं, काला नमक भी ज़रूर से डालिए, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये नींबू का अचार भी बन करके तैयार हो गया है। अभी मैं ये थोड़ा सा बेसन का चिल्ला बना रही हूँ। ये बोले कि मैं बेसन का चिल्ला खाऊंगा, तो फिर इसमें बेसन में हल्दी नमक ओवा वगैरह डाल करके घोल कर ले रही हूँ और इनको बेसन के चीले उतार करके दे दूंगी। ये देखिए, ये नींबू का अचार अभी पक रहा है, जो तो अपने को समझ में ही आ जाता है कि थोड़ा उसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाएगी चाशनी टाइप, तो अब हो जाएगा नींबू भी गल जाएंगे वगैरह। फिर इसको अच्छे से पूरा ठंडा होने के बाद ही रखेंगे। ये मैं रात भर इसको बाहर रहन दी ढक करके और सुबह डब्बे में भरी हूँ। ये थोड़े से बर्तन बचे हैं वो सब अभी जमा दे रही हूँ। ओके गाइस, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय।